नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में योगाभ्यास किया। इस दौरान उनके साथ गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन समेत कई लोगों ने योग किया। वहीं योगाभ्यास से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत ऐसे ही विश्वगुरु नहीं हुआ, यहाँ जो कुछ भी हुआ है वह व्यवहारिक है, पहले से प्रमाणित है और योग भी उसी परंपरा का हिस्सा है। हजारों वर्षों की भारतीय मनीषा की परंपरा योग हम सबकी विरासत का हिस्सा है, हमें योग की विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ से इस बात के लिए लोगों को नई प्रेरणा दी कि वास्तव में अगर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है तो केवल और केवल योग से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में योग की महत्ता को अंगीकार कर दुनिया के लगभग 200 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़कर भारत की ऋषि परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। योग की परंपरा को भारतीय मनीषा ने यानी हजारों वर्षों की ये परंपरा हम सबकी विरासत का हिस्सा है। हम सबको योग की इस विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि आज हजारों वर्षों से जिसे हम अपने जीवन का हिस्सा मानते रहे हैं वह आज वैश्विक मंच पर छाता हुआ पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी आप इस बात को महसूस करते होंगे कि दुनिया के अंदर पिछले 3-3.5 वर्षों से जिस एक महामारी की चपेट में पूरी दुनिया आई थी, उस कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा, इस बात को महसूस किया होगा कि दुनिया के अंदर सर्वाधिक मांग अगर कुछ हो रही थी तो इस बात की हो रही थी कि भारत की आयुष की पद्धति ही हमें आरोग्यता, संपूर्ण आरोग्यता को प्रदान कर सकती है, यानी संपूर्ण आरोग्यता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत की ऋषि परंपरा के द्वारा, भारत के द्वारा मानवता के कल्याण के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया गया आज दुनिया उसकी ओर आकर्षित कर रही है। भारत वैसे विश्वगुरु नहीं हुआ, जो कुछ भी है वह व्यवहारिक है, पहले से प्रमाणित है और योग भी उसी परंपरा का हिस्सा है। आयुष की मांग जो लोग पहले चाय पीते थे, अन्य कोल्ड ड्रिंक्स लेते थे, कोरोना कालखंड में सब काले की काला की ओर चले गए, ये भारत की आयुष की देन है। हल्दी अन्य लोग अन्य जगह लोग उपयोग करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन भारत की रसोई का एक प्रमुख हिस्सा रहा और आज दुनिया के अंदर इसकी बढ़ती हुई मांग भारत के किसानों के लिए एक नए अवसर को भी प्रदान करता है। योग में प्राणायाम यानी जब सेकेंड वेव के दौरान आप सबने देखा होगा सबसे ज्यादा लंग्स पर प्रभाव पड़ा था, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो गई। कोरोना के जो हम लोगों ने देखे हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से खासतौर पर जो लोग ज्यादा श्रम करते रहे हैं उनके लंग्स भी मजबूत थे, उन पर बहुत प्रभाव कोरोना जैसी महामारी के नहीं पड़ पाए, वे स्वस्थ हो गए। थोड़ी अगर पहले तो कोरोना आया ही नहीं उनके पास, लेकिन अगर आया भी तो कुछ ही दिनों के अंदर वे आरोग्यता को प्राप्त कर ली। उनके बीच में मृत्यु दर न्यूनतम थी, लेकिन जो लोग शारीरिक श्रम या श्वास जैसी प्रक्रिया के साथ नहीं जुड़ पाए उन लोगों को दिक्कत हुई, बहुत कष्ट हुआ था। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे परिणाम ऐसे प्रकरण हम सबके सामने आए देखने को मिले जो चेतावनी देने वाले थे, और इसलिए प्राणायाम हमारे लंग्स को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत करते हैं बल्कि शारीरिक शुद्धि के भी माध्यम बनते हैं। योगासन न केवल हमें स्थिरता प्रदान करते हैं बल्कि शारीरिक सुदृढ़ता भी प्रदान करते हैं, और इसीलिए योग की इस विधा को आज विश्व मानवता के कल्याण के लिए अगर किसी ने दिया तो भारत ने दिया।
भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी यह एक अवसर हम सब के सामने है, दुनिया के सामने है, और यह अवसर भारत को प्राप्त हुआ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात के लिए लोगों को नई प्रेरणा दी कि वास्तव में अगर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है तो विश्व कल्याण का मार्ग वह केवल और केवल योग से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। विश्व शांति का मार्ग कहीं से आगे बढ़ा सकते हैं तो योग उसका एक माध्यम बन सकता है।